बात मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़माना सन 1800 का है, आप अपने दोस्त से बात करना चाहते हो जो आपसे शायद 500-600 किलोमीटर दूर है। चलो दूरी को थोड़ा कम करते हैं, आप फॉर एग्जांपल दिघा में रहते हो और आपका दोस्त समवेयर नियर कंकड़बाग में रहता है, तो सन 1800 के ज़माने में आपको कितना समय लगेगा बात करने के लिए? टेलीफोन था नहीं, ट्रेन था नहीं, और वो सारी चीज़ें नहीं थी जो आज हमारे पास अवेलेबल है कि 5 सेकंड में फ़ोन उठाया, कॉल किया और काम ख़त्म। तो मैं अगर ये कहूँ कि सन 1800 के ज़माने में आप एक मैसेज 600 किलोमीटर की दूरी तक 50 मिनट में भेज सकते थे, और 50 मिनट में हाउ इज़ इट पॉसिबल? ना उस समय ट्रेन था, ना उस समय वैसी कोई चीज़ें थी जो पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबल करती थी। तो या ये सही में पॉसिबल था। मेरे पीछे जो ये टावर है, ये आपको लग रहा होगा कि लाइट हाउस टाइप का कुछ है, पहले मैं ये बता दूँ ये बिहार में है, बिहार के कैमूर ज़िले के गांव में है, और बहुत सारे इलाकों में यहाँ पे पाया जाता है। खासियत क्या है, एक ऑप्टिकल टेलीग्राफी नेटवर्क बना था। एक प्लेस है चुनार जो कि यूपी में पड़ता है, और एक प्लेस है कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। इन दोनों के बीच में ब्रिटिशर्स ने एक ऑप्टिकल टेलीग्राफी नेटवर्क बनाया था, और उस नेटवर्क का काम था मिनिमम टू मिनिमम टाइम में एक मैसेज को चुनार तक कोलकाता से पहुंचा देना। इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए मैं अजीत भाई के पास चलूँगा जो इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं और इन चीज़ों को देख चुके हैं, और उन्होंने ही बोला कि आशीष दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू कवर। ये जो पीछे टावर की तरह खड़ा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सेमाफोर टावर बोलते हैं, और इस तरह के टावर का इस्तेमाल 1800 से करीब फ्रांस में शुरुआत हुई थी इसकी, इस तरह के टावर का इस्तेमाल होना। और ये टावर जो आप देख रहे हैं पीछे, इस तरह के करीब बहुत सारे, आप मतलब मैं गिनती एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन कोलकाता से लेकर के चुनार के बीच में हर 15-16 किलोमीटर की दूरी पर एक टावर आपको मिलेगा, और इस टावर का इस्तेमाल लोग सूचना का एक जगह से दूसरी जगह प्रसार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और तब जब इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम या फिर जो मॉडर्न जो कम्युनिकेशन का जो वेज है डिस्कवर नहीं हुआ था, तब इसका इस्तेमाल किया जाता था ऑप्टिकल टेलीग्राफी के माध्यम से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। इसकी अवधारणा ये थी कि जो टावर का जो टॉप है उसके ऊपर लकड़ी का कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर फिट किया जाता था, और उसको एक खास अंदाज में एक ऑपरेटर मूव करता था। तो वो जब आप उस लकड़ी के फ्रेम के ऊपर जो हैंडल होता था दो इस तरीके से, तो उस हैंडल को जब आप मूव करते थे तो उसमें कुछ मैसेज होता था, जैसे कोई वर्ड, लेटर्स या फिर कोई सेंटेंस। तो उस मूवमेंट को देख करके दूसरे टावर पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो इसी ठीक इसी के लाइन में दूसरे 15-16 किलोमीटर दूरी पर एक टावर और है, वहाँ से बैठा हुआ एक ऑपरेटर दूरबीन से देखता था उस लकड़ी के मूवमेंट को, और उसको वो रीड करता था कि ये एक्चुअली मैसेज क्या है, और उसी को कॉपी कर करके वो फिर आगे की तरफ अपने टावर के जो अपैचस थे उसको वो मूव करता था उसी स्टाइल में, ताकि वो मैसेज आगे की तरफ भेज सके। और इसका जो खोज किया गया था इस तरह के टेक्नोलॉजी का, जिसको हम लोग सेमाफोर टावर बोलते हैं, तो ये जो खोज किया था जिस बंदे ने, उसका नाम था क्लाउड चैपिन। तो उसने जो है 1791 में पहला ट्रायल किया था फ्रांस में, और नेपोलियन ने इस तरह के टावर सिस्टम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था फ्रांस में युद्ध के दौरान। और तब 1791 के इर्द गिर्द टाइम में फ्रांस में करीब 3000 माइल तक, मतलब पेरिस अगर फ्रांस के अगर बीचों बीच माना जाए तो उसके चारों तरफ चारों दिशाओं में कई सारे लाइंस ऐसे बनाया, सीधे लाइंस, और उसका इस्तेमाल वो युद्ध के दौरान मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए करते थे। लेकिन उसके बाद नेपोलियन के बाद भी इसका इस्तेमाल विभिन्न चीज़ों के लिए सरकारें करते रही। उस समय भारत में अंग्रेजों ने इस टेक्नोलॉजी को करीब 1810 के लगभग लाना शुरू किया था, और ये 1840 तक करीब चला। 1840 के बाद धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा तो ये काफ़ी महंगा हो गया इसको मेंटेन करना, तो लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन इसकी इस टावर की जो खासियत है, ये इसके बारे में हम सब बहुत कम जानते हैं, और ख़ास तौर से अगर ये देखा जाए बिहार वाले हिस्से में, कलकत्ता से चुनार के बीच में जब हम चलते हैं तो बीच में झारखंड, बंगाल से शुरू करते हुए झारखंड होते हुए बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ, तो इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जो जानकारी है जिन लोगों को, वो बंगाल साइड में है, और झारखंड के एक दो टावर हैं जिनके बारे में वो जानते हैं, लेकिन बिहार के कैमूर में भी ये करीबन 3 टावर हैं, और उधर रोहतास की तरफ जब जाएंगे तो फिर और भी आपको टावर मिलते जाएंगे। और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में रतवार है,
और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो ये जगह जो है दुर्गावती प्रखंड में एक जगह है करज, इसके आसपास ये टावर है। और इसके बाद आप अगर इधर से ईस्ट की तरफ जब जाएंगे तो रतवार पड़ेगा, रतवार डीएवी वहाँ स्कूल है मोहनिया के पास एक जगह है। तो अभी हम बिल्कुल टावर के अंदर खड़े हैं और इस टावर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये टावर अंदर से हॉलो है, खाली है, जैसा कि हम सब देख सकते हैं। और इसमें ये करीब 3 तल्ले में विभाजित है ये टावर, अगर नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो। और हर एक तल्ले पे लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना हुआ था जिसपे कि ऑपरेटर्स रुकते थे या फिर उनकी मशीनरीज रहती थी जिसके हेल्प से वो मूव करते थे। जो ऊपर में इसके टॉप पर, टावर के सबसे ऊपर टॉप पर लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म था जो जिसमें हैंडल लगा रहता था जो मूव करता था, तो उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल जो है, जो बीच बीच में जो हम लोग तल्ला देख रहे हैं तो उसमें लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म था उस पर ऑपरेटर रहते थे और वो हेल्प लेते थे पुली का, चेन का, कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का, और जिसके हेल्प से वो मूव करते थे। तो ये ऊपर जाने के लिए जो ऑपरेटर्स जो हैं, इसी के अंदर बनी हुई पहले सीढ़ी थी जो अब नहीं है, जो अभी दिख नहीं रही है, और इसी सीढ़ी के सहायता से वो ऊपर की तरफ जाते थे। लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे तो इसमें आर पार आमने सामने हर एक तल्ला पर दो दो दरवाजे नुमा आपको एक शेप दिखेगा और हर एक तल्ले पे 2, 4, 6 दरवाजा आमने सामने थे। इसका इस्तेमाल दूसरे टावर को देखने के लिए लोग करते थे उस समय के ऑपरेटर, और प्लेटफॉर्म पर बैठ कर करके या खड़े होकर के दूरबीन से वो दूसरे टावर को देखा करते थे। और उस टावर से जब भी कोई सिग्नल आता था तो वो अपने साथी ऑपरेटर को कन्वे कर दिया। इंडिया का सबसे लंबा सीमा फोर लाइन 400 मील के दायरे में है जो कि कलकत्ता से चुनार के रास्ते में पड़ता है। उस वक्त में बंगाल प्रेसिडेंसी का राज्य फोर्ट विलियम से चुनार सिर्फ 50 मिनटों में एक मैसेज को पहुंचाया जाता था। यूं तो ऑप्टिकल टेलीग्राफी की शुरुआत फ्रांस में 18वीं सदी के अंत में हुई थी, मगर गौर करने वाली बात यह है कि हमारे एडजैकेट स्टेट में इसको लेकर कई सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन हमारे स्टेट में किया गया ये पहला फैक्चुअल रिसर्च है। इस बात पर अब खुश होना है या दुखी, ये आपके ऊपर है। अंदर मकान, अंदर ही अंदर सीढ़ी। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप बहुत जगह देखे हैं ये सब, तनी उस कहानी बात हमको बताइएगा। परमन्नापुर, आपके बा राजा बॉर्डर जो उनकी राजा बाजार बा, वहाँ से आप दक्षिण जाइए, दक्षिण आपके 1-2 किलोमीटर खिलची पड़ी, खिलची के बगल में परमन्नापुर, और खिलची के बीचे एक ठे वहाँ पड़ेगा। अब पूर्व चलिए, पूरब।